मॉर्निंग नमस्कार मैं नेहा सिंह आज फिर से एक नई ट्रिक के साथ लेकिन ट्रिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगी फॉर सपोर्टिंग एंड गिविंग लॉट्स ऑफ लव टू माय वीडियोस एंड गाइस डोंट फॉरगेट दिस टाइम एज वेल टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एंड दिस टाइम आई एम होपिंग फॉर एटलीस्ट वन थाउजेंड व्यूज दिज वीडियोज एंड हंड्रेड प्लस सब्सक्राइबर्स सो लेट्स स्टार्ट टूडेज ट्रिक और लास्ट ट्रिक्स की तरह ये भी ट्रिक बड़ी मजेदार है लेकिन मैं सारी ट्रिक्स आपको पता है अलग अलग प्लेटफॉर्म से लेके आ रही हूँ जिससे आपको ऐसा एक जैसा बोरिंग नहीं हो जाए कि एक ही चीज है एक ही चीजों के बारे में हम बार 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 पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं हो जाए आपके साथ है ना सो so, आज की ट्रिक है आपकी थोड़ा सा पॉलिटिकल से रिलेटेड है और ये है जैसा आपने थमलेल देख के आप तो समझ ही गए होंगे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स आफ्टर आर इंडिपेंडेंस टिल नाउ विद देयर वर्किंग इज इन अ सीक्वेंस तो आज मैं आपको हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं और उन्होंने उनके जो वर्किंग ईयर्स हैं जैक जै, लाइक कुछ ने जो है कंटिन्यूसली टू टाइम्स करा है किसी ने थोड़े से गैप के पास टू टाइम्स किया है कोई सिर्फ थर्टीन डेज के लिए ही बना है कोई सिर्फ वन ईयर के लिए ही है सो so, इस ट्रिक के साथ हम लर्न करेंगे कि कौन सा सीक्वेंस है कैसे हम उनको लर्न कर सकते हैं इजिली वे में हाँ ये ट्रिक थोड़ी सी लेंदी हो गई है जस्ट बिकॉज कि हमारे प्रधानमंत्री भी तो कई सारे हुए हैं तो इस वजह से सो लेट्स स्टार्ट आर ट्रिक एंड इस ट्रिक को आपको पता है एक या दो बार सुनना या कई बार आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा क्योंकि जो नेम है वो भी बहुत सारे हैं और जो सन है वो भी हैं सो so आप इस वीडियो को बार 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 देखेंगे ना तो भी आपको ये इजिली लर्न हो जाएगी और एक बार लर्न हो गई ना ट्रिक फिर तो आप कभी भी नहीं बोलने वाले हैं ओके सो कम विथ मी एंड स्टार्ट आर टूडेज ट्रिक नंबर सिक्स जवाहर लाल ने बहादुर आईजी कोई जवाहर लाल उन्होंने एक बहादुर आईजी हैं उन्होंने उनको उन्हों बोला कि मुरार जी को चौधरी सिंह के साथ आईजी निवास पर बुलाया एक बार फिर से रिपीट कर देखिए ये ट्रिक आपको कैसी है ना इस ट्रिक के साथ आपको एक स्टोरी को अटैच करना पड़ेगा आपको अपने माइंड में एक आ, स्टोरी चलानी पड़ेगी कि ये ऐसा 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 हो रहा है ओके सो so, जवाहरलाल ने बहादुर आईजी जी मुरारजी को चौधरी सिंह के साथ आईजी निवास पर बुलाया कोई जवाहरलाल है उन्होंने एक बहादुर आईजी जी है उनको और उनका नाम है मुरारजी उनको चौधरी सिंह के साथ चौधरी सिंह भी हैं कोई, उनके साथ आईजी निवास पर बुलाया वहां राजीव ने विश्वनाथ और चंद्रशेखर के बारे में बताया वहीं वहां पे कोई एक और व्यक्ति थे जिनका नाम राजीव था उन्होंने विश्वनाथ और चंद्रशेखर के बारे में भी बाकी सारे लोगों को बताया नेक्स्ट इज तभी नरसिंह साहब ने एबीपी न्यूज वालों के सामने कोई नर्सिंग साहब है और वहाँ पे ए बी न्यूज़ मीडिया भी क्योंकि आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज के पास हर वक्त मीडिया चारों तरफ उनको घेरे रहती है तो तभी नर्सिंग साहब ने एबीबी न्यूज़ वालों के सामने डी को कहा कि आई के ए के बारे में जानते कोई हो कोई होगा आई के बीबी ए बी बी तो क्या उसके बारे में तुम जानते हो तो इसके जवाब ने में एम एस ने कहा ठीक है कोई और एक अन्य व्यक्ति भाई बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी पार्टी में तो ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं तो ने चौधरी सिंह के साथ आईजी निवास पर बुलाया वहां राजीव ने विश्वनाथ और चंद्रशेखर के बारे में बताया तभी नरसिंह साहब ने एबीबी न्यूज वालों के सामने डीजी को कहा कि आई के एबीबी के बारे में जानते हो तो उसके जवाब में एम एस ने नमो नमो कहा सो so, इस में भी जो कई सारे नाम है हमारे वो तो आपको समझ में आ गए होंगे है ना जैसे जवाहर जैसे जवाहरलाल नेहरू और मोरारजी उनका पूरा नाम ही आ गया है तो अब हम बात करते हैं आपको कि कैसे उनके सीक्वेंस उनके सन के साथ हमको इसको लर्न करना है तो ये जो पेज आप देख रहे हैं इसको मैंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है आपके लेफ्ट साइड में सबसे पहले जो ट्रिक में नेम यूज किए गए हैं है ना जवाहरलाल बहादुर आई जी मोरारजी चौधरी सिंह इनके नाम हैं बीच में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके पूरे नाम है जिस नाम से वो फेमस थे या जो उनका पूरा नाम है और लास्ट में राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि उनके वर्किंग ईयर्स हैं, जो कि सीक्वेंस में हैं, जैसे फर्स्ट है 1947 से 1964 तो नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो 1964 से 1966 है तो ऐसे ही लर्न करना है लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन जवाहर लाल ट्रिक में हमने वर्ड यूज किया है जवाहर लाल सो so, जवाहर लाल किसका नाम है जवाहर लाल नेहरू और इन्होंने कब से कब तक हमारे देश का कार्यभार संभाला है प्रधानमंत्री पद पर 1947 से 1964 तक नेक्स्ट आ जाते हैं हम बहादुर लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक अब आ जाते हैं हम आईजी आईजी रिप्रेजेंट करता है यहां पे इंदिरा गांधी जी को सो so, आई इंदिरा जी का आई एंड गांधी का जी आईजी बनता है इंदिरा गांधी 1966 से 1977 कम टू द नेक्स्ट वन मोरारजी ये इनका पूरा नाम आ गया इसमें मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक सिर्फ टू इयर्स ये थे चौधरी सिंह चौधरी चरण सिंह और 1979 से 1980 तक ही रहे ये लगभग एक साल फिर अगेन इंदिरा गांधी जी बन गईं सो so, आईजी इंदिरा गांधी 1980 से 1984 तक और उस 84 में उनकी हत्या कर दी गई थी तो उसके बाद तुरंत ही उनके बेटे को बनाया गया राजीव जो वर्ड आया है हमारी ट्रिक में राजीव तो राजीव गांधी 1984 से 1989 तक नेक्स्ट है विश्वनाथ विश्वनाथ हमने ट्रिक में लिया है और इनका पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990 तक ये भी अप्रोक्सिमेटली सिर्फ वन ईयर ही रहे थे नेक्स्ट है चंद्रशेखर सो so, चंद्रशेखर सिंह इनका पूरा नाम है एंड नाइनटीन से नाइनटीन नाइनटीन नाइन्टी से 1991 तक ये बने थे सो so, ये यहाँ पे जो दोनों हैं विश्वनाथ और चंद्रशेखर जो कि हमने अपने ट्रिक में भी देखा है ना कि विश्वनाथ और चंद्रशेखर के बारे में बताया तो इनको अब याद रखना कि इनका नाम एक एक ऐसे आया है तो ये एक एक साल के लिए बने 1989 से 1990 तक 1990 से 1991 तक नेक्स्ट है हमारे नरसिंह सो इनका ये वैसे तो नाम पी नरसिम्हा राव है बट्रिक में हमने इनको नर्सिंग लिया हैरसिम्हा राव नाइनटीन नाइनटी नरसिम्हा राव नाइनटीन से 1996 तक बने नेक्स्ट है एबीबी जैसे हमने इंदिरा गांधी जी का आई जी लिया था फर्स्ट वर्ड वैसे ही हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी ए से अटल बी से बिहारी एंड बी से वाजपेयी लिया है ओके सो ए बी बी से 1996 में ही सिर्फ थर्टीन डेज के लिए बने थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कई आ, जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है ना ये उसमें भी पूछा जा चुका है कि हमारे कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ तेरह दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे तो ये वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके बाद है डीजी इनका वैसे तो पूरा नाम जो है वो एच सी देव गौड़ा है लेकिन ये यहाँ पे डीजी हमने इसमें रिप्रेजेंट किया है 1996 से 1997 तक फिर अगेन वन ईयर के लिए देन आई के गुजराल जो है वो 1997 से 1998 तक ये भी एक साल के लिए देन अगेन अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे वापस आ गए फॉर्म में और उन्होंने 1998 में कार्यभार संभाला और फिर 2004 तक वो हमारे प्रधानमंत्री बने रहे को ध्यान देना होगा कि ये सारी जो चीजें हैं ना ये कंटिन्यूसली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आती हैं है ना जैसे कि बार बार आएगा कि इनके बाद कौन प्रधानमंत्री बने इस सन से इस सन तक कौन बना रहा है ना इतने कितने प्रधानमंत्री थे टोटल हमारे तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं तो इसको इस ट्रिक को प्लीज बहुत ध्यान से लर्न करना और सीक्वेंस वाइज लर्न करना इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप इनको सीक्वेंस में लर्न करें ओके सो नेक्स्ट इज एम एस ट्रिक में था ना एम एस ने नमो नमो कहा तो एम एस मनमोहन सिंह जी के लिए है यहाँ पे जो कि 2004 से 2014 तक कंटिन्यूसली हमारे प्राइम मिनिस्टर बने रहे और ये टू टर्म्स में क्योंकि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर का टर्म है वो फाइव इयर्स का है तो ये दो बार प्रधानमंत्री कंटिन्यूअसली बने इसलिए टू से टू तक नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी जी ये भी 2014 में सेलेक्ट हुए थे वन सॉरी वन टाइम जो और पहली बार और 2014 से 2019 के लिए और फिर से हमने इनको आ, अपने एक प्रधानमंत्री के रूप में वापस से न्यूट किया करवाया इलेक्ट करा तो ये नरेंद्र मोदी जी अगेन बने 2019 से और अभी करेंटली भी वो हैं सो so, नमो नमो इसीलिए दो बार लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी ओके okay? तो आई होप को आपको इसमें समझ में आए होगा बस इस ट्रिक के क्योंकि ये काफी बड़ी है तो इस ट्रिक के लिए आपको बस थोड़ा सा एफर्ट ये करना होगा कि इसको कम से कम दो या तीन बार देखना और समझना पड़ेगा विद द सीक्वेंस ओके तो इसी सीक्वेंस को रखते हुए हम लोग क्या करेंगे कि आ, मैंने आ, सोचा था ना कि आपको इतनी लंबी ट्रिक है तो इसके लिए और क्या कर सकते हैं कि आपको इजीली लर्न हो तो इसके लिए एक पिक्चर भी मैंने इसमें डाली है जिसमें जो सारे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अभी तक जो कंटिन्यूअसली हैं तो उनकी पिक्चर वाइज और उनका वर्किंग ईयर्स के साथ उस पिक्चर को वो दिखाई है मैंने तो इसमें आप देख सकते हैं सारी पिक्चर्स हैं फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू से लेके अभी तक करंट में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं और वर्किंग ईयर्स के साथ है ना तो आप इनको देखते रहिए लर्न करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि आप पास करें ग्रो करते रहें अपनी लाइफ में थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब इट ऑल्सो थैंक यू गुड बाय